आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नार्मदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। मंदिर शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। खंडवा के ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व पर तीर्थ नगरी में देश भर से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला एक दिन पहले बुधवार से ही शुरू हो गया था। शिवरात्रि पर्व पर अल सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के बाद 4 बजे से ही भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए थे। गुरुवार की सुबह मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या अनुमान से कम दिखाई दी। ओमकारेश्वर पहुंचे श्रद्धालुओं ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और अभिषेक किया। ओमकारेश्वर मंदिर के साथ ममलेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की कम ही भीड़ दिखाई दी। साथ ही सभी घाटों पर पहुंचे और श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर मंगल कामना की। संत मंडल के सभी महामंडलेश्वर महंतों ने नर्मदा जी में स्नान के बाद ढोल बैंड बाजों के साथ नगर में शोभा यात्रा भी निकाली। 4 घंटे की गर्भावधि में जल चढ़ने की छूट। महाशिवरात्रि पर अल सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ज्योतिर्लिंग पर सीधा जल चढ़ाने की छूट दी गई है। उसके बाद मंदिर के बाहर जल लगे पात्र में जल डालकर अंदर दर्शन करते हुए श्रद्धालुओं को खींचा गया। दिन भर तीर्थ नगरी में बोलबम के जयकारे लगी, हर कोई शिव की आराधना में लीन रहा। ओमकारेश्वर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। महाशिवरात्रि पर्व के लिए मंदिर ट्रस्ट ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया था। मंदिर के कर्मचारियों को भी महाशिवरात्रि के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। मंदिर के व्यवस्थापक पंडित आशीष दीक्षित ने बताया कि मंदिर परिसर और गर्भगृह का सुगंधित फूल से विशेष श्रृंगार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए थे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से 251 किलो पेड़ों का भगवान को भोग लगाकर भक्तों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर सुबह से 4 बजे तक ही भगवान के मूल स्वरूप पर जल चढ़ाने की छूट दी गई है। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से पात्र में जल के बारे में भगवान के मूल स्वरूप तक पहुँचाएंगे। साल में एक बार महाशिवरात्रि पर ऐसा मौका आता है जब भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित नगर में स्थित शिव शिवालय के मंदिर दरवाजे पूरी रात खुले रहेंगे। इस दौरान देश भर में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अर्धनारेश्वर शिवलिंग का विशेष महत्व शिव और शक्ति दोनों के लिए होता है। दर्शन भगवान का लगेगा। साबूदाने की खिचड़ी का भोग मंदिर के पुजारी जितेंद्र शास्त्री ने बताया कि महाशिवरात्रि पर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:20 तक भगवान को फलाहारी खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। हर दिन होने वाली आरती पूजा पूर्व की तरह ही की जाएगी। वहीं शाम के वक्त पुजारी पंडित डंकेश्वर दीक्षित ने महाशिवरात्रि पर्व पर बताया कि सायंकाल आरती नहीं होगी, मंदिर पूरी रात खुला रहेगा। 12 बजे को रात्रिकालीन 3 बजे कुछ समय के लिए मंदिर के पट बंद होंगे। भगवान के सायं आरती करने के बाद 4 बजे फिर पट खोल दिया जाएगा। महाशिवरात्रि पर अनेकों मठ, मंदिर, आश्रम, अखाड़ों में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाई जाएगी। भक्तों द्वारा फलाहारी भंडारे का आयोजन भी कई स्थानों पर करवाया जाएगा। ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के सीओ पुन्ना, एसडीएम सीएस सोलंकी, नर्मदा नगर एसडीओपी राकेश पेंद्रो, तहसीलदार उदय मंडलोई, थाना प्रभारी शिवराम जमरा, नगर परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोनिका राजदी ने महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा में जुटे हुए हैं। एसडीएम सोलंकी ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सभी कर्मचारियों को आने वाले श्रद्धालुओं को विभाजित 19 के नियमों के पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। ओम नमः शिवाय।
आज शिव जी का विवाह हुआ था और इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। मृत्युंजय महादेव साई माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म नरम। आज महाकाल की आराधना, भोलेनाथ की आराधना करते जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित जितना भी दुख दर्द है सबका नाश होता है। हर हर महादेव।